नमस्कार, भारत के पहले मोबाइल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। इस खास न्यूज बुलेटिन में खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी के बलूचिस्तान पर दिए गए बयान से बौखलाया पाकिस्तान, भारत पर दुनिया का ध्यान भटकाने का लगाया आरोप। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान पर बलूचिस्तान में हिंसा बरपाने का लगाया था आरोप। प्रधानमंत्री मोदी के बयान से हरकत में आया पाकिस्तान, बलूचिस्तान के निर्वासित नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री ने निर्वासित नेताओं को पाकिस्तान लौटने का दिया न्योता। जम्मू कश्मीर में पैलेट गन की जगह कम घातक हथियारों के इस्तेमाल की सिफारिश। सेना ने कम घातक साउंड कैनन, पीपर्स शॉटगन और मिर्च पाउडर ग्रेनेड इस्तेमाल करने की दी सलाह। उत्तर प्रदेश में कौमी एकता दल का दोबारा से समाजवादी पार्टी में हो सकता है विलय। मुलायम सिंह यादव ने खुद कदम बढ़ाया। पूर्वांचल इलाके में कौमी एकता दल से मदद मिलने की उम्मीद। और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशवासियों को मिली अनूठी सौगात। पेट्रोल के दाम में 1 रुपए प्रति लीटर और डीजल के मूल्य में 2 रुपए प्रति लीटर की हुई कटौती। पाकिस्तान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बलूचिस्तान का नाम लेकर कश्मीर के मुद्दे से दुनिया का ध्यान भटकाना चाहते हैं। कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक में कहा था कि गिलगित बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान में पाकिस्तान जो हिंसा बरपा रहा है, आम नागरिकों का दमन कर रहा है, उसके बारे में भी बात होनी चाहिए। इसके बाद स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से दिए अपने भाषण में मोदी ने कहा कि बलूचिस्तान के लोग उन्हें अपना मुद्दा उठाने के लिए धन्यवाद कह रहे हैं। शाम होते होते इस भाषण पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेशी मामलों के सलाहकार सरताज अजीज का जवाब आया कि 5 हफ्तों से कश्मीर में जो चल रहा है उस पर से ध्यान भटकाने के लिए पीएम मोदी ने बलूचिस्तान का नाम लिया है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश को संबोधन ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। मोदी ने 70वें स्वतंत्रता दिवस पर पूरे 95 मिनट तक राष्ट्र को संबोधित कर अपने ही 86 मिनट का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये अलग बात है कि 95 मिनट में से लगभग 80 मिनट तक पीएम अपनी सरकार का पिछले 2 सालों की उपलब्धियों का लेखा जोखा देते रहे। आखिर के 15 मिनट में आतंकवाद को फटकारा और पाकिस्तान को ललकारा। लाल किले की प्राचीर पर पहला भाषण ही अपने आप में रिकॉर्ड था। 15 अगस्त 1947 की सुबह पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश से 72 मिनट तक बातचीत की। तब तो बहुत सारी बातें भी थी करने को, देश के भविष्य का पूरा खाका खींचना और योजनाएं बताना भी था। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलूचिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान के अत्याचारों को लेकर निशाना साधा और पड़ोसी देश की सरकार तुरंत हरकत में आ गई। अब पाकिस्तान बलूचिस्तान के निर्वासित नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया है। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री नवाब सनाउल्लाह जहरी और दक्षिणी कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज ने कहा कि अगर बलूच नेता देश में वापस लौटते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। बलूच नेताओं को ये न्योता रविवार को बलूचिस्तान में ध्वजारोहण समारोह के दौरान दिया गया। जहरी ने निर्वासन में रह रहे बलूच नेताओं को भी पाकिस्तान वापस लौटने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि ये उनकी च्वाइस होगी कि वो राष्ट्र राजनीति में आए या राष्ट्रवादी आधार पर राजनीति करें। जहरी ने कहा कि अगर बलूचिस्तान की जनता इन नेताओं को जनादेश देगी तो ये हमारे लिए सम्मान की बात होगी। बलूचिस्तान के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान ने कांग्रेस के रातों की नींद उड़ा दी है। इस मामले में कांग्रेस के नेता ही एक मत नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस का असहज होना लाजमी था। शाम होते होते कांग्रेस पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के बयान से ही पल्ला झाड़ने को मजबूर हो गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और यूपीए सरकार में मंत्री रहे राजीव शुक्ला ने बलूचिस्तान पर अलग अलग बयान दिए। बलूचिस्तान के मुद्दे पर गुलाम नबी आजाद ने कन्नी काटने की कोशिश की। सीधे जवाब देने के बजाय उन्होंने कहा कि फिलहाल मुद्दा बलूचिस्तान नहीं कश्मीर है, जहां 37 दिनों से कर्फ्यू लगा है। बलूचिस्तान पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के अलग अलग बयान के बाद मामला तब और बढ़ गया जब राजीव शुक्ला ने कहा कि बलूचिस्तान पर मोदी का बयान वही है जो कांग्रेस के नरसिम्हा राव सरकार की लाइन थी। इस पर सलमान खुर्शीद ने तीखा पलटवार करते हुए कहा, मैं उस वक्त विदेश राज्य मंत्री था, भारत सरकार की ऐसी कोई लाइन नहीं थी। जो ऐसा बोल रहा है उससे मामले की जानकारी नहीं है, वह झूठ बोल रहा है, ये पूरी तरह से गलत है।
सेना ने जम्मू कश्मीर में पैलेट गन की जगह पारा मिलिट्री फोर्स को कम घातक साउंड कैनन, पीपर शॉटगन और मिर्च पाउडर ग्रेनेड इस्तेमाल करने की सलाह दी है। केंद्र द्वारा बनाई गई पैलेट गन को लेकर समीक्षा करने वाली समिति को इस मामले में सलाह दी गई है। पैलेट गन के कारण बड़ी संख्या में विरोध करने वाले घायल हुए हैं, खासतौर पर इससे बच्चे घायल हुए हैं। इनमें से कई की आंखों की रोशनी चली गई है। इसके बाद ऐसे हथियारों के इस्तेमाल की मांग उठी थी जो घातक ना हो। सेना ने आवाज करने वाले हथियार, मिर्च का बौछार करने वाले हथियारों के इस्तेमाल किए जाने की सलाह दी है। आवाज करने वाले हथियारों का इस्तेमाल सेना और पुलिस द्वारा कई देशों में किया जाता है। सेना ने कल कश्मीर के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी और 5 आतंकवादियों को मार गिराया। उधर नौटा क्षेत्र में आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ के एक अधिकारी शहीद हो गया, जबकि 9 सुरक्षाकर्मी घायल हुए। सेना के एक अधिकारी ने कहा, चौकस सैनिकों ने कश्मीर के बारामुल्ला जिले के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर सोमवार सुबह कुछ संदिग्ध गतिविधि देखी और घुसपैठियों को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों ने सैनिकों पर गोलीबारी की, जिसका सैनिकों ने जवाब दिया। अधिकारी ने बताया कि शुरुआती मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए, जबकि 3 अन्य बाद में मारे गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के खिलाफ देशद्रोह और 2 समुदाय के बीच शत्रुता फैलाने को लेकर बेंगलुरु पुलिस ने मामला दर्ज किया है। एमनेस्टी इंडिया की ओर से 13 अगस्त को एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। सेमिनार में कुछ छात्रों ने देश विरोधी नारे लगाने के साथ हिजबुल मुजाहिदीन के मारे गए आतंकी बुरहान वानी को अपना हीरो बताया था। इस दौरान 2 गुट आपस में भिड़ गए थे, जिसके बाद कॉलेज में भारी पुलिस बल ने तैनात किया गया था। पुलिस का कहना है कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और मामले में आगे जांच की जाएगी। सेमिनार में कश्मीरी पंडित नेता ने भारतीय सेना की सराहना की। इसके विरोध में कश्मीर से आए कुछ स्टूडेंट्स का कश्मीरी पंडित नेता से बहस हो गई। स्टूडेंट्स ने कश्मीर की आजादी और भारतीय सेना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजनीति सरजमीन पर शायद ही पहले कभी ऐसा देखने को मिला हो, जब एक प्रमुख दल का नेता अपने विपक्षी दल के झंडे को लहरा रहा हो। मध्य प्रदेश के सियासी दंगल में कल कुछ ऐसा ही देखने को मिला। मामला मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर से जुड़ा है, जो अक्सर अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं। बाबूलाल गौर विधायक आरिफ अकील द्वारा आयोजित पैगाम ए मोहब्बत रैली में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। रैली की शुरुआत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री गौर ने कांग्रेस का झंडा हाथ में थामा और लहराने लगे। इस मौके पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राहुल सिंह भी मौजूद थे। कांग्रेस का झंडा लहराते हुए गौर की तस्वीरें कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि झंडे के रंग के कारण गौर का ध्यान हाथ के निशान पर नहीं गया और वह उसे राष्ट्रध्वज समझ बैठे। अफजल अंसारी और उनके छोटे भाई मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल का विलय दोबारा समाजवादी पार्टी में हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव खुद इस विलय को अंजाम तक पहुंचाने में जुट गए हैं। मुलायम को लगता है कि पूर्वांचल में पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए ऐसा करना जरूरी है। इस फैसले में शिवपाल यादव की हनक भी साफ साफ दिखाई देती है, जो इन दिनों पार्टी से नाराज चल रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले जून में मंत्री बलराम सिंह यादव की मध्यस्थता और शिवपाल सिंह यादव की पहल के बाद पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने कौमी एकता दल के विलय को हरी झंडी दे दी थी। इसके बाद अखिलेश की नाराजगी को देखते हुए समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस विलय को रद्द कर दिया गया था। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भारत लौट रहा है। इस बार वह खुद नहीं बल्कि इंटरनेट की दुनिया से भारत में अपने घर आएगा। दरअसल दाऊद के भांजे अली शाह पारकर की शादी बुधवार को है। अपनी बहन हसीना पारकर के सबसे छोटे बेटे की शादी में दाऊद पाकिस्तान से स्काइप के माध्यम से हिस्सा लेगा। सूत्रों के मुताबिक मुंबई में पारकर फैमिली ने शादी की लाइव देखने की व्यवस्था की है, ताकि दाऊद अपने चहेते भतीजे की शादी में सीधे ना सही पर इंटरनेट के माध्यम से हिस्सा ले सके। पारकर परिवार के करीबी सूत्रों के मुताबिक शादी के शाही इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि अली शाह अब हसीना का इकलौता जीवित बेटा है। उसके बड़े बेटे की 2006 में सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जबकि अली शाह के बहन उमेरा की शादी पिछले साल मई में हुई थी। अली शाह की शादी बुधवार को दक्षिण मुंबई के रसूल मस्जिद में सुबह होगी, जबकि जुहू स्थित ट्यूलिप होटल में उसी शाम एक भव्य आयोजन रखा गया है। महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों के लिए स्वतंत्रता दिवस पर अच्छी खबर आई है। पेट्रोल के दाम में 1 रुपये प्रति लीटर और डीजल के मूल्य में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई है। नई कीमतें 15 अगस्त को रात 12 बजे से लागू हो गई है।
15 दिन पहले भी पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की गई थी। तब पेट्रोल के दाम में 1.42 रुपए प्रति लीटर तथा डीजल के मूल्य में 2.01 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई थी। देश में तेल कंपनियां हर 15 दिन में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों की समीक्षा करती है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रूड के दामों के आधार पर घरेलू तेल कीमतों में बदलाव करती है। रियो ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक का मुकाबला हारने के बाद टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा भावुक हो गई। इस दौरान उन्होंने इशारा किया कि ये उनका आखिरी ओलंपिक हो सकता है। सानिया को उनके जोड़ीदार रोहन बोपन्ना के साथ मिक्स डबल्स के मुकाबले में चेक गणराज्यक की लूसी और रादेख की जोड़ी से 6-1, 7-5 से हार झेलनी पड़ी। सानिया 29 साल की हो चुकी है और लगातार चोटों का सामना करने के बाद भी वापसी करती रही है। मुकाबले के बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा, इस समय बात करना मुश्किल है, हमें ये मानना होगा और आगे बढ़ना होगा। उनकी आंखों में आंसू साफ देखे जा सकते थे। सानिया ने कहा, एक टेनिस खिलाड़ी के रूप में हम काफी भाग्यशाली हैं। हम सिनसिनाटी जाएंगे और वहां जीतने के लिए खेलेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से आज का दिन हमारे लिए ठीक नहीं था। रियो ओलंपिक के जिम्नास्टिक स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहने के बाद दीपा कर्माकर भले ही मुस्कुराती हुई नजर आई, लेकिन उसकी इस मुस्कान के पीछे अपार दर्द छिपा था और खेलगांव लौटने के बाद वह अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकी। खेलगांव पहुंचने के बाद दीपा फूट फूट कर रोई। उसके कोच विश्वेश्वर नदी के लिए भी खुद को रोक पाना मुश्किल हो गया था। कोच नंदी ने कहा, खेलगांव आने के बाद दीपा को संभालना मुश्किल हो गया था। मामूली अंतर से कांस्य से चूकना हमारे लिए जिंदगी के सबसे बड़े खेद में से रहेगा। दीपा और उसके कोच पूरी शाम खेलगांव में एक दूसरे को ढांढस बंधाते रहे। बैडमिंटन के सिंगल्स मुकाबलों में भारतीय स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। राउंड ऑफ 16 में खेले गए एक अहम मुकाबले में सिंधु ने 8वीं वरीयता प्राप्त चीनी टाइपे की खिलाड़ी ताईजू यिंग को एक तरफा मुकाबले में शिकस्त दी। चीनी टाइपे की खिलाड़ी ताईजू यिंग के खिलाफ सिंधु ने जबरदस्त खेल दिखाया और पहला गेम आसानी से जीत लिया। सिंधु ने पहला गेम 19 मिनट में 21-13 से जीता। पहला गेम जीतने के बाद पीवी सिंधु के हौसले 7वें आसमान पर थे। उन्होंने दूसरे गेम में जबरदस्त खेल दिखाया, चीनी टाइपे खिलाड़ी का एक ना चलने दी। उन्होंने दूसरा गेम 21-14 से जीतकर मैच अपने नाम कर लिया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का मुकाबला पूर्व नंबर एक बैडमिंटन खिलाड़ी चीन की वांग याहन से होगा। बैडमिंटन में मेडल हासिल करने के लिए सिंधु को हर हाल में चीनी खिलाड़ी से पार पाना होगा। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।